पिछले दिनों समाचार आ रहे थे कि अमृता सिंह की पुत्री सारा अली खान अपने करियर की दूसरी फिल्म में रणवीर सिंह के साथ काम करने जा रही हैं। सिम्बा के नाम से बन रही इस फिल्म को रोहित शेट्टी निर्देशित करने जा रहे हैं। लेकिन अब जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं उनके अनुसार सारा अली खान रणवीर सिंह के साथ नहीं बल्कि दक्षिण के सुपर सितारे प्रभास के साथ अगली फिल्म करने की तैयारी में है। बाहुबली फेम प्रभास इन दिनों अपनी मेगा बजट फिल्म साहो की शूटिंग में व्यस्त हैं। 6 साल बाद प्रभास ने कोई नई फिल्म शुरू की है। वे 5 साल तक सिर्फ बाहुबली में व्यस्त थे। साहो के साथ ही उन्होंने अब अन्य फिल्मों को साइन करना शुरू कर लिया है। बताया जा रहा है कि उनकी इस फिल्म का निर्देशन राधा कृष्ण कुमार करेंगे। यह फिल्म इस साल अप्रैल में फ्लोर पर जाएगी। फिल्म के निर्माता इस फिल्म में सारा अली खान को लेना चाहते हैं। हालांकि पहले इस फिल्म का प्रस्ताव दीपिका पादुकोण को दिया गया था, लेकिन उन्होंने जवाब देने में लंबा वक्त लिया, जिसके बाद राधा कृष्ण कुमार सारा अली खान को अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। प्राप्त समाचारों के अनुसार सारा अली को फिल्म की पटकथा पसंद आई है, लेकिन वो अपनी मां अमृता सिंह के इशारे का इंतजार कर रही हैं। सारा अली के सारे निर्णय उनकी मां अमृता सिंह लेती हैं। वे हां कहने में थोड़ा वक्त ले रही हैं, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहती कि सारा के करियर की शुरुआत में ही उनके ऊपर दक्षिण भारतीय अभिनेत्री का ठप्पा लग जाए।